इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत सारी खबरों का तस्करा वैसे तो अक्सर होता रहता है। आज सबसे ज्यादा जेर बहस मजहब तब्दीली कानून, जिसे लाना भाजपा का मकसद था। भले विपक्ष ने कितनी ही मुखालिफत की हो, लेकिन इसे असेंबली में आखिर लाया ही गया। इसके साथ लव जिहाद वगैरह तमाम मामलों पर बारह तस्करा चर्चा होते देखा जा रहा है। अब इस पर क्या बहस की जाए, क्योंकि जब भाजपा हुकूमत हर बिल को जो इन्हें लाना पसंद है या इन्हें जिससे सियासी मुफाद हासिल होता है उस बिल को तो ला कर ही रहते हैं। इससे पहले भी बारह देखा गया असेंबली से कांग्रेस में इमरान का वॉकआउट करना भी कांग्रेस भाजपा की मिलीजुली साजिश थी, ऐसा इल्जाम कुमार स्वामी की जानिब से भी लगाया गया। आज एक और खास खबर ये रही कि कांग्रेस शोबे खवातीन की जानिब से अलारवाड 2 विधानसभा एहतजाजी जुलूस निकाला गया। रियासती सदर डी के शिवकुमार और सिद्धरामैया की निगरानी में इस एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया था, जिसमें हजारों कांग्रेस कारकुनान और खवातीन कसीर तादाद में शरीक रही। इस वक्त सती जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली भी इस एहतजाज में शरीक रही। आज भाजपा नॉर्थ MLA और रियासती वजीरों के हाथों तरक्याती कामों को भी इसी बहाने अंजाम देते हुए देखा गया, जिसमें खासकर आजम नगर और पंजी बाबा शिवाजी नगर इलाकों में कामों की इफ्तिताह की। खैर, इन तमाम मसलों से बढ़कर मुस्लिम माशरे के वो मसले हैं जिन्हें हम सब मिलकर हल कर सकते हैं। मसला ये बड़ा नहीं है कि पानी, सड़क, बिजली या फिर सरकारी नौकरियां, फिर फौज पुलिस में कितने फीसद मुसलमान है, या फिर IAS या IPS में हमारे बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे, ये भी मसले हो सकते हैं। लेकिन जिन फितनों के लपेटों में मुस्लिम समाज फंसता जा रहा है सबसे बड़ा मसला है। इस पर इससे पहले भी बारहा बात हुई है, तस्करे तबसरे भी हुए हैं, लेकिन है तो ये संगीन मसला जिस पर जितनी बार भी तस्करा करे कम ही है, क्योंकि इस आग में तकरीबन मकानात झुलसते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि मुस्लिम माशरे की लड़कियां गैरों के साथ ताल्लुकात में कैसे आ रही है? अब आंकड़े सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ती वारदातों से माशरे की गिरती अखलाकियात का महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इत्तेहाद न्यूज को दो चार दिन में फोन आते रहते हैं, लेकिन हम भी इसमें बहुत ज्यादा पेश होकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के वालिदैन और फिर उस मोहल्ले की जमातों को बड़ी संजीदगी से सोचने की जरूरत है। अक्सर बेशतर कॉलेज की लड़कियां इस फितने में मुलव्वस पाई जा रही है। पकड़े जाने पर बेशर्मी का भी मुजाहरा देखने में लड़कियों की जानिब से आता है। मेरी तो जाती राय यह है कि बड़े बड़े मसाइल पर हम अपना कीमती वक्त फिजूल में खर्च करने से पहले घर की इज्जत कहां, बाजारों की जीनत तो नहीं बन रही, इसका ख्याल जरूरी है। एक बार फिर कहता हूं कि बहुत संजीदगी से इस बात पर तवज्जो दे, इल्म सीखने से किसी तरह की रोक नहीं है, पर इल्म के आड़ में अगर घर की इज्जत दांव पर लगाई जा रही हो कहां तक सही है? आखिर किस साजिश का हिस्सा हमारे माशरे की लड़कियां बनती जा रही है, इसका जर्रा बराबर भी एहसास हमारे माशरे के जिम्मेदारान में वो नजर नहीं आ रहा। पहले तो तलाक के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है, अदालत के कट्टों पर बुरखे पहने वालिदैन और लड़कियां देखी जा रही है। अब तो मुसलमान या तो अदालतों में, अस्पतालों में या होटलों पार्कों में नजर आ रहे हैं। मस्जिद में जाने वालों की तादाद अगरचे बहुत कम ही है, तो उसमें भी ठीक ठाक मुसलमान कम ही नजर आते हैं। बेलगाम के कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को माशरे के जिम्मेदार समझते हैं, गोवा के कैसिनो के दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं। एक और इत्तला के मुताबिक कुछ एक ऐसे नाम भी है जो डांस बार तक का सफर करके बेलगाम लौटते हैं। मतलब आखिर इस माशरे पर रहमतें कहां से नाजिल होंगी? कैसे दो दो चेहरे लेकर लोग माशरे में घूमते रहते हैं, और ये हर रोज इजाफा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की तादाद। बेलगाम शहर में ऐसे रहते हैं जैसे इनसे बड़ा शरीफ कोई शायद होगा नहीं, और जब दीनी बहस भी होती है तो पेश रहते हैं। कुल मिलाकर माशरे ने जिस कदर बुराई की सरहदों को पार किया है, लगता है मुसीबतों को दावत हम लोग ही दे रहे हैं। आखिर बताओ तो सही कि हमने कौन सी बुराइयों को इख्तियार नहीं किया है, हम एक दूसरे की तरफ देखकर बुराइयों को इख्तियार कर रहे हैं। अब तो सऊदी अरब में भी बुराइयों के अड्डे खुल रहे हैं, तो कुछ लोग इसे भी दलील मान लेते हैं, थोड़ा इसे करने से क्या होगा। लिहाजा माशरे में खासकर कॉलेज की लड़कियों में जो आजाद ख्याली बढ़ रही है, इससे पहले किसी तरह काबू में लाने की कोशिश करें। हमारा मसला यह है कि हम पूरे शहर को सुधारने के फिक्र में घर को सुधारना ही भूल जाते हैं, और अपने घर की बेटी या बेटे की तारीफ ऐसे करते हैं जैसे गोया शराफत इन्हीं के घर से शुरू होती हो। खैर, कईयों ने गुजारिश की थी कि इस मौजू पर बोले, इससे पहले भी कई बार इस फितने पर रोशनी डालने की कोशिश की है। यकीनन उलमाओं का भी किरदार बहुत बड़ा है, दीनी रहनुमाओं की बातें आज भी सुनी जाती हैं। लिहाजा जरूरत है मुस्लिम लड़कियों को लेकर दुश्मनी इस्लाम की क्या साजिशें हैं,
क्या मंसूबाबंदी है, कैसे सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि कैसे मुस्लिम माशरे को निशाना बनाकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह लव जिहाद का हवा खड़ा कर दिया जाता है। और अक्सर मुस्लिम लड़के लड़कियां आज भी आगा नहीं है तो आखिर कौन जिम्मेदार, क्यों मस्जिदों के जरिए साजिशों को बेनकाब नहीं किया जाता, कैसे फर्जी फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के जरिए मुस्लिम नामों का इस्तेमाल कर फंसाया जाता है। दौर फितन के इस माहौल में अपने आप को बाशऊर कहलाने वाले भी फंस जाते हैं। मोबाइल पर कितना भी बोले तो कम है, क्योंकि अब यह ऐसी जरूरत बन चुकी है जिसको इंसान के हाथ से छीन लेना बहुत मुश्किल है। शायद ही कोई मोहल्ला बचा हो जिससे लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कों से राबता न रखे हुए पूछने पर कॉलेज के प्रोजेक्ट, कॉलेज के नोट्स, सहेली का भाई वगैरह कहानियां सुनाई जाती है। अब तो लड़कियों में तमीज की कमी भी इस हद तक पाई जाती है कि उल्टा पुलिस थानों का डर दिखाया जाता है। बुरखा नकाब जिसका हुक्म औरतों की पाकिजगी को बचाने के लिए आसमान से उतारे गए थे, अब तो पर्दा गुनाह छिपाने के लिए किया जा रहा है। अब तो कई जगहों पर गैरों की लड़कियां गलत कामों को अंजाम देने के लिए भी इस बुरके का इस्तेमाल करते देखा जा रहा है। खैर, हमें दूसरी कौम में क्या कर रही है इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि मुस्लिम माशरे में इस बढ़ती बुराइयों को कैसे रोका जा सके। बड़ा अजीब मामला है कि अगर कॉलेज जाने से मना करो तो एजुकेशनिस्ट कहलाने वाले हंगामा बरपा करते हैं। माशरा आप जैसे लोगों की सोच से ही पिछड़ता जा रहा है, ऐसे इल्जाम भी लगाए जाते हैं। अब ये तो वालिदैन को ही फैसला लेना होगा, क्योंकि इल्म रोशनी है, इल्म का सीखना भी बहुत जरूरी है। वही फितनों के तूफानों से लड़ने का जज्बा हमारे माशरे में कहाँ है? और अगर इल्म के बहाने घरों की इज्जत बाजारों की जीनत बनने लगे तो किससे जिम्मेदार ठहरा जाए? इल्म सीखने के बहाने आजाद ख्याली ही परवान चढ़ती नजर आ रही है तो माशरे का मुस्तकबिल क्या होगा? लिहाजा पेचीदा मसला है और मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और आसानी से फंसती भी जा रही है, क्योंकि हमने संघीय और हिंदुत्ववादी विचारधारा से मुतासिर लोगों के एजेंडे पर कभी तबसरे नहीं किए, कभी मस्जिदों से बयानात नहीं किए, जिसकी कीमत आज माशरे को चुकानी पड़ रही है। लिहाजा माशरे को इस पर संजीदगी से सोचकर मंसूबा बनाने की जरूरत है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Torre Dikara Dikara Ayo 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 Sarkar ke Dikara Dikara Adi hasao hasao Sampat kootidvi alli elkon bara uddesha yenido yenu illa koote naave attack martidva terrorist kala naavu shanti sara ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ
ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಈ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.